हेलो एवरीवन, जेई पीवाईक्यू एडवांस क्वेश्चन नंबर 12, ये 2009 का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हेनरी लॉ हम लोगों को पता है कोल्ड ड्रिंक की तरह काम करता है कि जितना गैस ऊपर होगा तो गैस का प्रेशर जितना ऊपर होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन उसका अंदर मिलेगा किसी लिक्विड के, लाइक कोल्ड ड्रिंक में जितना सी ओ टू ऊपर होगा उतना ही सी ओ टू अंदर मिलेगा, मस्ट टेस्ट आएगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम लोग को हेनरी लॉ पता है पी इज इक्वल टू के एच इन टू एक्स। ठीक है, इस केस में बोल रहा है कि भाई साहब आप के एच ले लो, यहाँ लिख लेते हैं गिवन के एच पता है अपने को, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू इन एयर, बहुत बढ़िया। तो हवा में तो बहुत सारे गैस होंगे, उसमें N2 का मोल फ्रैक्शन दे दिया है। तो एक बात हम लोग को पता है, हवा में जो टोटल प्रेशर होता है उससे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा, और वही चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को निकालना है N2 अंदर कितना। तो N2 जितना प्रेशर हवा में उसके रिस्पेक्ट में ही अंदर मिलेगा अकॉर्डिंग टू हेनरी साहब के लॉ। अब टोटल प्रेशर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 atm, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का 0.8, तो प्रेशर ऑफ N2 कितना है यहाँ से 4। तो अपने को 5 अगर रखेंगे इस फॉर्मूला में तो गलत हो जाएगा, अपने को रखना है 4। तो 4 इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अंदर जितना मिलेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा भाई, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस अंदर और क्या है, बोलता है कि भाई पानी है, है ना, तो बोलता है कि कितने N2 मिलेंगे डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो टोटल मोल्स ऑफ पानी हो गया 10, ये अपना इक्वेशन हो गया, इसको x बोल देते हैं। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं तो 4 बाई 10 टू द पावर 5 आ रहा है इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 10। शायद अपने को ये कैलकुलेशंस आते हैं, 10 टू द पावर 5 इंटू एक्स। ठीक है, दिख रहा है कहाँ जा रहा है ये क्वेश्चन, 40 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5x। 100,000 x में सिर्फ 4x गया, है ना, तो 99,996 आएगा, 99996। बट इतना टाइम पास कौन कर रहा है लाइफ में, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है और दिख रहा है कि क्लोज ऑप्शन नहीं है, पावर में बस खेल है, है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब 4 point something और ये सब तो नहीं निकालना है। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे 10 to the power 5x इक्वल टू 40, एक्स इज इक्वल टू 40 by 10 to the power 5, 10 कम हो जाएगा तो 4 by 10 power 4, राइट, एक्स इज इक्वल टू 4 by 10 to the power 4, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, 4 into 10 power -4, करेक्ट, दिस इज द आंसर फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन पूछता तो हम लोग इतना नहीं करते शायद, x डायरेक्ट निकाल देते, बट हम लोग को मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा गया है, हम लोग को पूछा गया कि कितने मोल्स ऑफ N2 जो है वो पानी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर जो कि पानी में मिलेंगे, कितने मोल्स पानी में, 10 मोल पानी में। ठीक है, तो टोटल मोल्स भी 1 नहीं मान सकते हैं, ये सब अजम्पशन नहीं चल सकता यहाँ पे, क्योंकि 10 मोल पानी दिया हुआ है। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स, अगेन नॉट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, रिलेटिवली डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट हाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीख रखे हैं वो सारा काम आ रहा है। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।